हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ। देखिए गाइस, ये हमारी मूंग की दाल है। आज हम मूंग की दाल और आटे आटे से बनाएंगे बूंदी, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो इस दाल को हम इस ग्राइंडर में डालेंगे, ठीक है। ये हमने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रखती थी। आप अगर ठंडे पानी में भिगो के रखते हैं तो ओवरनाइट के लिए भिगो दीजिए, और अगर गर्म पानी नहीं, मतलब भूल गए भिगोना या नहीं भिगो पाए, तो गुनगुने पानी में, गर्म पानी में 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दीजिए, बिल्कुल दाल हमारी फूल जाएगी, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से फाइन पीसेंगे, ठीक है। देखिए गाइस, ये हमने डाल ली दाल, और अब इसमें हम 2 से 3 स्पून पानी डालेंगे और इसको ग्राइंड करना है बिल्कुल। देखिए गाइस, ये हमारी दाल पीस चुकी है और बिल्कुल महीन पीसना है, और हमने उतना ही पानी डाला जितना हमें जरूरत था। बस आप चलाते जाइए, डालते जाइए, ठीक है। तो अब इसको नहीं करते हैं, अब हम आटा इसमें कैसे करते हैं देखिए हम क्या करते हैं। देखिए गाइस, ये हमारा पीस चुका है, इसी बैटर में आटा डालेंगे, ठीक है। ये देखिए, 2 स्पून डाला, ये 3रा स्पून, अभी 1 स्पून और है, यानी 4 स्पून हमने, ये 4 स्पून इसमें आटा डाला है, ठीक है। और इसको अभी हम ऐसे ही फेटेंगे, फिर से फेंट लेंगे इसमें। ये देखिए गाइस, अब इसमें 2 स्पून पानी है, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, फिर से चलाएंगे अच्छे से। फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जिससे कि ये गिरे तो हमको पता होना चाहिए कि ये गिर रहा है, ठीक है। तो इसको बैटर कि डालने पर हमारी बूंदी गिरे, ठीक है। देखो ये हम डाल रहे हैं ऐसे, तो इतना पतला है कि जाके आपस में फिर से मर्ज हो जा रहा है, इसमें मिल जा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हम मिलाएंगे, देखिए एक चीज, ये देखिए गाइस, 2 पिंच बिल्कुल जरा सा सोडा है, मीठा सोडा, ठीक है। अब इसको एक बार और हम इसमें फेटेंगे, जिससे कि ये मीठा सोडा हमारा सारे में मिल जाए। ये देखिए गाइस, आपको दिख रहे हो ये एयर बबल्स, तो इसका मतलब हमारा हो चुका है। अब इसके दूसरे हम कटोरी में ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा बना रहे हैं, आप अपने हिसाब से बना के देखिएगा। कि देखिए गाइस, हमने ऑयल रख दिया है, ठीक है, रिफाइंड ऑयल चलाया, और हम इससे बनाएंगे। और अगर ये ना हो छन्नी तो आप इससे भी बना सकते हैं। देखिए करछी, ये सबके घर में होती है, तो आप इससे भी बना सकते हैं। ये देखिए गाइस, इस तरह की दूध पर छानने वाली छन्नी तो सबके घर में होती है। इस तरह से एक कटोरी रखे, उसके ऊपर छन्नी बूंदियां निकालेंगे, वो इस पर रखेंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल होगा जो वो सब नीचे थाली में गिरेगा, ठीक है। चलिए गाइस, देखते हैं कि हमारा ऑयल हुआ है या नहीं। देखिए गाइस, इस तरह से एक ड्रॉप डाल के देखेंगे, ठीक है। अगर हमारी ऊपर आ जाती है 2 मिनट में, ये देखिए अभी हमारा अच्छे से नहीं हुआ है। अगर अभी इस टाइम पर हम बनाएंगे तो ये हमारा फ्लैट बनेगा, ठीक है, फ्लैट बूंदी बनेगी। तो हमको बनानी है अच्छे से क्रिस्पी, तो जब थोड़ा सा और हो जाए ऑयल, फिर मिलते हैं। देखिए गाइस, हमारा हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना लेंगे, क्योंकि और इस तरह से हम डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ठीक है। और देखिए, कुछ नहीं करना है, इस तरह से डालेंगे। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, हमारी हो चुकी हैं। तो इनको ऐसे ही देखिए, कितनी प्यारी, कितनी गोल्डन हुई हैं, और कितनी गोल गोल दिख रही हैं। आप लोगों को दिख रहा है, ये देखिए, ये देखिए गाइस, कितनी अच्छी सी मोती सी निकल के आई है बूंदियां हमारी, है और बहुत क्रिस्पी। देखिए, उड़द दाल की आपने मूंग दाल की खाई होंगी, उड़द दाल की सॉरी खाई होंगी, बट मूंग दाल की नहीं खाई। इस तरह से बना के देखिए, इनकी आवाज से देखिए कितनी क्रिस्पी लग रही है। तो देखिए, बस एक चीज का गाइस ध्यान रखिएगा, देखिए दोबारा हम बनाने जा रहे हैं, तो इसको हमने क्लीन कर लिया है। दोबारा क्लीन करके फिर से इसमें बैटर डालेंगे और फिर से करेंगे। देखिए, अगर क्लीन आप कर लेंगे ना तो गोल गोल अच्छी से गिरेंगे, ठीक है। और सावधानी से करें, नहीं तो हाथ जल सकता है। ये देखिए, एक बात और गाइस, देखिए, और बेसन वगैरह की बनती है बूंदियां, तो उनको जल्दी निकाल लिया जाता है, मगर इनको बढ़िया सा अगर आप रेड कर लेंगे, ब्राउन कर लेंगे पकाते हुए, तो ये ज्यादा अच्छी होंगी, ठीक है। तो इनको ब्राउन करके ही पकाएं, जिससे कि कच्चापन नहीं रहेगा, वरना दाल का जो टेस्ट आता है वो आता रहेगा। तो हम सारी बनाते हैं, फिर मिलते हैं। आप देखिए गाइस, उससे तो हमने बताया था, अब हम इससे बताएंगे, ठीक है,
क्योंकि ये सबके घर में होती है। तो ये देखिए इससे करने में थोड़ा सा आराम रहेगी। ये देखिए गाइस, इससे भी बनाना कितना इजी है और कितनी प्यारी बूंदियां बन रही हैं। तो इनको भी बनाते हैं और हमारी वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट में इन बूंदियों को बनाने की हम एक अच्छी मतलब कई सारे टिप्स देंगे जिनको आप फॉलो करके बहुत अच्छी सी बूंदी बना सकते हैं, बहुत यम्मी। देखिए उड़द की दाल की बूंदियां आपने खाई होंगी, ठीक है, बेसन की भी बूंदियां खाई हैं। जरा मूंग की दाल की बूंदियां खा के देखिए, एक तो मूंग दाल वैसे भी हेल्दी होती है और टेस्टी भी, बहुत यम्मी बनेगी बूंदियां। तो बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक, फिर हम आखिर में इसको बताएंगे, इसके टिप एंड ट्रिक्स सब देंगे। ये देखिएगा जब हम बनाएंगे चाशनी, तो ये आधा कटोरी हमारी मूंग दाल थी, तो ये हमने एक कटोरी ले ली है चीनी और एक कटोरी इसमें ऐड करेंगे पानी। ये देखिएगा एक कटोरी पानी, ठीक है। अब इसकी हम बनाएंगे चाशनी, बिल्कुल चाशनी तार वाली या वैसी नहीं चाहिए, बिल्कुल मामूली सी चिपचिपी चाशनी हमको चाहिए, ठीक है। तो ये बनाते हैं और चाशनी में देखिए बीच बीच में चलाते जाइए जिससे नीचे लगे नहीं, ठीक है। तो बनाते फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइस हमारी चाशनी उबल रही है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, चीनी भी मेल्ट होने लगी है और इसको चिपचिपा हमें बनाना है बस। ये देखिए गाइस हम इसको ऐसे टच कर रहे हैं तो ये चिपचिपा सा हमको लगने लगा है, ठीक है, तो हो चुका है, ठीक है। फिर तो इसको इसमें डालते हैं बूंदियां। ये देखिए गाइस कितनी सारी बूंदियां बन के तैयार हैं और हम इसमें कलर नहीं डाल रहे हैं। आप जो कलर डालना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, वो वैसे ही इतनी रेड देखिए दिख रही हैं क्योंकि इनकी रेड बनाते मतलब थोड़ा अच्छे से पकाना होता है, ठीक है। तो इनको सबको हम डाल देते हैं इसमें जल रेस। ये देखिए अब इनको कम से कम हम एक मिनट पकाएंगे। ये देखिए और ये हमारी चाशनी में भर जाएगी बिल्कुल इस तरह से। देखिए बूंदियां बनाते हैं तो जो चाशनी है वो एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि कम अगर होती है तो हमारी जो बूंदियां हैं वो बिल्कुल अजीब सी सूखी सूखी सी रहती है, वो नहीं अच्छी लगती है, ठीक है। तो इनको एक मिनट हम ऐसे ही पकाएंगे इस तरह से। देखिए फिर ये देखिए गाइस पक रही है, अब इसे हम बंद कर देंगे और अब इसे 5 मिनट के लिए हम ढक के इसी तरह से रख देंगे ठंडा होने के लिए। और तब तक जो ये जो हमारा ये चाशनी है वो सारी बूंदी पी लेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं 15 से 20 मिनट बाद। ये देखिए गाइस बूंदियां हमारी सारा जूस पी गई हैं और कितनी यम्मी दिखने में लग रही हैं, भरी भरी सी। ये देखिए ना कलर की डालने की जरूरत ना कुछ, कितना प्यारा लग रहा है। कोई कह सकता है इसमें हमने कलर डाला हुआ है, नहीं डाला है, इतनी प्यारी सी है। तो चलिए इनको सर्व करते हैं। और एक बात, इसमें अगर डालना चाहते हैं तो आप मगज के बीज भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने जो नहीं डाला है आप लोग डाल सकते हैं, हमने सिंपल सा बताया। और उसका प्रसाद भोग भी लगा सकते हैं। और देखिए जूसी है, एकदम यम्मी है, बिल्कुल जूसी यम्मी, बिल्कुल मुंह में पानी घुलने वाली, इतनी प्यारी बूंदी हमारी बनके तैयार हुई है। तो चलिए सर्व करते हैं इनको, फिर लास्ट तक वीडियो देखेगा, इनकी हम ट्रिक भी देंगे। ये देखिए गाइस हमारी बूंदी जूसी एंड रसीली है। देखिए आपको दिख रहा होगा कितनी अच्छी साइन है इसमें और कितनी भरी भरी लग रही है एकदम। और ये देखिए आपको पास से दिखाते हैं स्पून से, ये देखिए कितनी प्यारी कितनी यम्मी है, हर तरफ से एकदम जूसी एंड है। आप देखिए इसकी लास्ट ट्रिक आप इसकी बताते हैं कि जब भी हम झारे से झारे इसको बूंदियों को, तो हर एक बार झाड़ने के बाद झारे को बिल्कुल साफ कर लें, बिल्कुल धो के पोछ ले अच्छे से, फिर झारे से झारे। और एक बार कढ़ाई में जितनी बूंदियां आ जाएं मैक्सिमम एक बार में एक ही बार डालें। ये नहीं है कि एक बार डाल दिया फिर पलट के वो सिक नहीं पा रही है, तुरंत दूसरी फिर से हमने डाल दी, तो वो नहीं करना है। तो एक बार में एक ही लैडल से डालें, एक स्पून से, और वो जब पक जाए तब दूसरा लैडल डालें और उसको बार बार साफ करना है झारे को। और एक बात, अगर आप सोडा डालते हैं मीठा सोडा जिसको हमने बोला था, उसमें 1 से 2 पिंच डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। और चीनी की मात्रा उतनी ही रहेगी जितनी हमारी दाल की मात्रा है, जैसे हमने 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी दाल, तो लगभग लगभग इसका एक ही रेशियो रहता है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, हमने आधा कटोरी दाल ली थी और हमने 1 कटोरी चीनी ली है
और आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर डेढ़ कटोरी दाल लेते हैं तो डेढ़ कटोरी चीनी लीजिए, और अगर दो कटोरी दाल लेते हैं तो दो कटोरी चीनी, अनुपात बराबर रहेगा। और देखिए हमारी ये रेसिपी आपको हम खा के दिखाते हैं, बहुत यम्मी बहुत जूसी, सच में बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो ये देखिए बनाइए, आपको ये पसंद आए रेसिपी तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।